लोकसभा चुनाव के समय से ही देश में आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। मिशन 24 की जंग तो खत्म हो चुकी है, पर आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा जोर पकड़े है। राजनीतिक गलियारों में दिग्गज नेता इसे लेकर कुछ न कुछ बयान देते ही रहते हैं। इसी कड़ी में बीते दिन राहुल गांधी के आरक्षण और जाति जनगणना पर दिए गए बयान ने सियासी तापमान को गर्मा दिया है। दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार को घेर लिया है। शनिवार को प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए थे। यहां उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जमकर उठाया, कहा कि आधी आबादी आपकी है लेकिन आपको आपका हक नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जो बातें कही उसमें उन्होंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए न तो अवसर है और न ही तरक्की में उनकी भागीदारी है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी और सोचा कि इसमें तो आदिवासी महिला होगी, एक दलित महिला तो होगी ही, लेकिन मिस इंडिया की लिस्ट में भी न दलित है न आदिवासी, कोई नहीं है। क्रिकेट की बात होगी, बॉलीवुड की बात होगी, लेकिन किसानों की बात नहीं होगी। चलिए अब आपको राहुल गांधी का ये वायरल हो रहा पूरा बयान भी सुना देते हैं। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी, ना ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं, तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब, मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है, मतलब आप भी 90% में है। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी, ना ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं, तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे मेरे चैनल पे आ रहा है।